हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी शानू। तो बहुत दिनों का गैप लेकर मैं फाइनली वापस आ गई हूँ एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेनिफिट्स ऑफ ऑलिव ऑयल एंड बहुत सारे हैक्स जो कि आपके लिए यूजफुल होंगे। वैसे तो मार्केट में दो टाइप्स के ऑलिव ऑयल मिलते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड प्योर या फिर क्लासिकल ऑलिव ऑयल। बट मैं यूज करती हूँ दिसानो का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल फॉर माई हेयर एंड दिसानो का ही प्योर ऑलिव ऑयल फॉर माई स्किन। तो दिसानो का ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हेयर के लिए सुटेबल है एंड ये प्योर ऑलिव ऑयल स्किन के लिए सुटेबल है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कोल्ड प्रेस्ड मेथड से तैयार किया गया है। दिसानो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में अरोमा है एंड इसमें थोड़ा सा थिकनेस है जिसके वजह से ये हेयर के लिए प्रॉपर है। एंड दिसानो प्योर ऑलिव ऑयल विटामिंस में रिच है एंड इसमें स्टिकीनेस नहीं है, बहुत ही लाइट वेट ऑयल है जिसके वजह से ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। इन दोनों ऑयल्स का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से बाय कर सकते हो। तो अगर आपके हेयर्स ड्राई, डैमेज एंड रफ हो चुके हैं, उनमें बहुत ही ज्यादा स्प्लिट एंड्स तो आप इन सबसे छुटकारा पाने के लिए ऑलिव ऑयल में व्हाइट मीट ई कैप्सूल मिक्स करके अपने हेयर्स पर अप्लाई कर सकते हो। आप अपने ड्राई एंड रफ हेयर को ऑलिव ऑयल से ट्रीट कर सकते हो एंड इसके लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने कि या फिर ढेर सारी चीजें इकट्ठा करने की जरूरत भी नहीं है। आपको बस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल चाहिए। मैं यूज कर रही हूँ दिसानो का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है एंड उसमें विटामिन ई की कैप्सूल को मिक्स करना है एंड देन इसको यूज करना है। तो ऑलिव ऑयल हेयर स्पा करने के लिए आपको सबसे पहले अपने हेयर्स को बीच से दो पार्टीशन में डिवाइड करना है एंड पूरे हेयर्स को डिटेंगल कर लेना है अच्छे से। इसके बाद आपको एक बाउल में ऑलिव ऑयल निकाल लेना है, इसमें विटामिन ई की कैप्सूल मिक्स कर लो। आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ऑयल ले लेना, जितना भी आपको सही लगे। इसके बाद आपको क्या करना है, बालों का थोड़ा थोड़ा सा सेक्शन लेना है जैसे कि आप हेयर स्पा करते हो एंड ऑयल को आपको पूरे हेयर स्ट्रैंड में अच्छे से लगाना है, ऊपर से लेकर नीचे तक, एंड में तो खास करके अच्छे से लगाना। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा हेयर आप लेते जाओ एंड ऑयल लगाते जाओ। ऑयल लगाने के बाद कॉम्ब करना मत भूलना। कॉम्ब करने से क्या होगा, ऑयल जो है वो बालों के स्ट्रैंड में बहुत ही अच्छे से पहुंचेगा, बालों का एक एक स्ट्रैंड ऑयल में पूरी तरह से भीग जाएगा, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आपके बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है। बालों को भी हाइड्रेशन की जरूरत होती है। अगर आपके बाल हाइड्रेटेड हैं तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, सिल्की रहेंगे, शाइन करेंगे। अगर आपके हेयर रफ एंड फ्रीजिंग है तो ये ऑयल फ्रीज को कम करता है, स्प्लिट एंड्स आने से रोकता है। तो पूरे हेयर्स में आपको ऑयल अच्छे से लगा लेना है एंड हेयर्स में लगाने के बाद आप थोड़ा सा ऑयल अपने स्कैल्प में भी लगा लो। इसी तरीके से थोड़ा सा ऑयल अपने स्कैल्प में लगा लो हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए। इससे क्या होगा कि आपके स्कैल्प को भी न्यूट्रिशन मिलेगा ऑयल का। इसके बाद आप क्या करोगे, अपने पूरे हेयर्स को डिटेंगल कर लोगे। बालों को नीचे से कॉम्ब करना है, ऊपर से नहीं, नीचे से कॉम्ब करते करते ऊपर ले जाओगे कॉम्ब को एंड इस तरीके से पूरे हेयर्स को आप अच्छे से ब्रश कर लो। ब्रश करने के बाद आप हेयर्स का जूड़ा बना लो या फिर एक सिंपल सी ब्रेड बना लो एंड इसको एक से दो घंटे के लिए आप रेस्ट दे दो। आप चाहो तो कोई टॉवल या फिर शावर कैप भी पहन सकते हो एंड इसके बाद आप कोई भी माइल्ड शैम्पू या फिर जो भी शैम्पू आप यूज करते हो उससे अपना हेयर वॉश कर लो। आपको कंडीशनर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा रिजल्ट इसका आपको मिलेगा। तो मैंने भी कोई कंडीशनर वगैरह नहीं लगाया है, सिर्फ ऑयल से स्पा किया है। तो ये स्पा आप मंथ में एक बार या फिर दो बार ट्राई कर सकते हो, आपके हेयर्स को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। तो हमारा जो सेकंड यूज है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का। आप इसको रेगुलर हेयर ऑयल की तरह यूज कर सकते हो, जैसे आप कोई भी हेयर ऑयल यूज करते हो उसी तरीके से आप इसको रेगुलरली यूज कर सकते हो, वीक में दो दिन, तीन दिन, जैसे भी आप हेयर ऑयल अप्लाई करते हो। इसके लिए आपको एक बाउल में ऑलिव ऑयल निकालना है एंड उसको डबल बॉइलिंग मेथड से हल्का सा गर्म कर लेना है। डायरेक्ट हीट आपको नहीं देना है, डबल बॉइलिंग मेथड से आप तेल को गर्म कर लो एंड इसके बाद आप अपने स्कैल्प पर, आप अपने बालों में, बालों के एंड्स में ऑयल को बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर लो। थोड़ी सी क्वांटिटी ही आपको यूज करनी है। कोई भी हेयर ऑयल आप यूज करते हो उसी तरीके से आपको अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है एंड उसके बाद आप इसको दो से तीन घंटे तक रख के हेयर वॉश कर लो।
जो हमारा थर्ड हेयर हैक है इसके लिए आपको क्या करना है, एक स्प्रे बॉटल में आपको 2 चम्मच पानी और 2 चम्मच ऑलिव ऑयल लेना है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है एंड जब आप हेयर वॉश करके आओ तो इसको आप स्प्रे कर लो अपने बालों में। ये बहुत ही अच्छा कंडीशनर, लिव इन कंडीशनर का काम करेगा, ये हीट प्रोटेक्टेंट का काम करेगा एंड आपके हेयर को मेंटेन करके रखेगा। तो यहाँ तक बात थी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की जिसको हमने हेयर के लिए यूज किया। अब मैं बात करूंगी प्योर ऑलिव ऑयल की जिसको हम अपने स्किन के लिए यूज करेंगे। तो ये प्योर ऑलिव ऑयल विटामिन्स में रिच है और बहुत ही लाइट वेट ऑयल है, इसमें स्टिकीनेस नहीं है जिसके वजह से ये स्किन के लिए परफेक्ट है एंड स्किन को मॉइस्चराइज एंड नरिशिंग रखने में काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहला हैक है, अगर आपके फेस पर मेकअप है एंड आपके पास मेकअप रिमूवल ख़त्म हो गया है या फिर आपके पास अवेलेबल नहीं है तब आप ऑलिव ऑयल को यूज़ कर सकते हो एज अ मेकअप रिमूवर। आपको क्या करना है, एक कॉटन बॉल लेना है, इसको डिप करना है ऑलिव ऑयल में एंड एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल कर आप इसको बस अपने स्किन पे वाइप कर लो। आप अपने फेस को वाइप कर लो, आप लिप्स, आईज, जो भी मेकअप है आप अपने आई मेकअप को रिमूव कर सकते हो, आप अपने लिपस्टिक को रिमूव कर सकते हो। ये बहुत ही इजीली सब कुछ रिमूव कर देगा, बहुत ही बढ़िया मेकअप रिमूवल का काम करेगा। आप कॉटन से इसको 1 से 2 बार वाइप कर लो एंड इसके बाद आप किसी भी क्लेंजर या फेस वॉश से अपना फेस वॉश कर लो। ऑलिव ऑयल नेचुरली आपके मेकअप को आपके स्किन से ऑफ कर देती है, लिफ्ट कर देती है। तो इसके बाद का जो हैक है उसमें आप ऑलिव ऑयल को एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। आप इसको अपने हैंड्स पे, अपने लेग्स पे और चाहो तो अपने फेस पर भी एज अ मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो। शावर लेने के बाद आप इसको यूज कर सकते हो या फिर आप अगर बाहर कहीं जा रहे हो तो सनलाइट से प्रोटेक्ट करने में भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ऑलिव ऑयल में बहुत सारे हेल्दी विटामिंस, फैट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके स्किन को हेल्दियर और मॉइस्चराइज रखते हैं, आपके स्किन में मॉइस्चर को लॉक करके रखते हैं, इससे आपके स्किन हमेशा हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड रहती है। तो आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। ऑलिव ऑयल को आप अपने आईब्रोज पर, अपने आई लैशेस अप्लाई कर सकते हो डेली एंड अप्लाई करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको रहने दो एंड इसके बाद आप इसको पानी से वॉश आउट कर लो। अगर आप ऐसा डेली करोगे तो आपके जो आईब्रोज हैं, आपकी जो आई लेसेज है वो नरिशमेंट से भरी रहेंगी एंड इसके साथ आपकी आई लेसेज नेचुरली थिकर ग्रो होंगी, आपके आईब्रोज नेचुरली फील्ड रहेंगे, आई लेसेज लॉन्ग एंड डेंस ग्रो होंगी। इसके साथ ही आप अपने नेल्स पे भी ऑलिव ऑयल को अप्लाई कर सकते हो। आप डेली अपने नेल्स पर, अपने क्यूटिकल्स पर ऑलिव ऑयल को अप्लाई करो एंड इसको मसाज करो 1 से 2 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, आपके जो नेल्स हैं, आपके जो क्यूटिकल्स हैं वो हेल्दी रहेंगे। वो ऑलिव ऑयल में विटामिन ई ऑयल होता है जिसके वजह से ये ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है एंड नेल्स को फास्टर ग्रो होने में हेल्प करता है। इसके साथ ही ये नेल नरिशमेंट को भी बरकरार रखता है एंड ये बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके नेल्स को मॉइस्चराइज रखता है। तो आप इसको नेल्स के लिए भी डेली यूज कर सकते हो। ऑलिव ऑयल को आप एज अ फेस पैक भी अप्लाई कर सकते हो। आपको बस थोड़ा सा इसमें लेमन ऐड करना है। आपको 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में 1 से 2 ड्रॉप लेमन का यूज करना है एंड इनको अच्छे से मिक्स करके आप अपने फेस पर अप्लाई कर लो। 5 से 7 मिनट के लिए आप इसको फेस पर रहने दो एंड इसके बाद कोल्ड वाटर से आप इसको वॉश आउट कर लो। ऑलिव ऑयल एंड लेमन का जो फेस पैक है इसको आप वीक में 1 से 2 दिन अप्लाई कर सकते हो। इस फेस पैक से आपको अगर आपके फेस पर टैनिंग या फिर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो ये इन सबको रिमूव करेगा, धीरे धीरे इनको रिड्यूस करते जाएगा और इसके साथ ही साइंस ऑफ एजिंग को भी ये रिड्यूस करेगा। आपके स्किन बहुत ही ग्लोइंग हो जाएगी और आपको हेल्दी स्किन मिलेगा। अगर आपको बॉडी में कहीं भी स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है तब आप ऑलिव ऑयल ले सकते हो। 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल में आप आधा लेमन मिला लो एंड इसको मिक्स करके आप अपने स्ट्रेच मार्क्स पर अप्लाई करो। आप इसको ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हो या फिर 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ दो ताकि आपके स्किन ऑलिव ऑयल के मॉइस्चर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले एंड 20 से 30 मिनट के बाद आप इसको गर्म पानी से वॉश कर सकते हो या फिर इसको आप रात भर के लिए छोड़ दो तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके फेस पर भी डार्क सर्कल्स हो रखे हैं तो आप ऑलिव ऑयल को डेली अपने डार्क सर्कल्स, अंडर आई एरिया पर अप्लाई करो।
करो, रात को सोने से पहले इसको अप्लाई करके छोड़ दो। ऑलिव ऑयल में विटामिन के होता है जो कि आपके अंडर आई एरिया के स्किन टोन को नॉर्मलाइज करता है, इसको डार्क से ब्राइटर बनाता है। एंड इसके साथ ही ऑलिव ऑयल में बहुत सारे मिनरल्स और फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके डार्क सर्कल्स को ग्लो देते हैं एंड आपके आईज को प्लम्प अप करते हैं। तो आप इसको डार्क सर्कल्स के लिए डेली यूज कर सकते हो। आप इसको अप्लाई करो आईज के अराउंड एंड 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करो और इसको बस छोड़ दो। अगर आपको क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम है, आपके हील्स हमेशा क्रैक्ड रहते हैं, तो इसके लिए भी आप ऑलिव ऑयल का यूज कर सकते हो। आप रात को सोने के टाइम या फिर कभी भी ऑलिव ऑयल को अपने हील्स पे अप्लाई कर लो, सर्कुलर मोशन में इसको मसाज करो 10 से 15 मिनट तक। एंड इसके बाद आप चाहो तो सॉक्स पहनकर 1 से 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दो और 1 घंटे के बाद आपको इसको पानी से वॉश कर लेना है। इससे आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जो क्रैक्ड हील्स है वो बढ़ता जाएगा एंड आपको सॉफ्ट स्किन मिलेगी। इसके साथ ही आप रात को सोने से पहले अपने लिप्स पर ऑलिव ऑयल अप्लाई कर सकते हो। इससे आपके होंठ फटेंगे नहीं एंड हमेशा उनमें मॉइस्चर लॉक रहेगा। और सुबह जब आप जगोगे तो देखोगे आपका लिप्स बहुत ही सॉफ्ट एंड पिंकिश दिखेगा आपको। तो ये लिप्स के लिए भी बेनिफिशियल होता है।